अगर आप मसल को ग्रो करने का ऑप्शन देख रहे हैं तो उसके तीन मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है आप हैवी लिफ्ट कीजिए, सेकंड है आप अपने रेप्स बढ़ाइए, थर्ड जो ऑप्शन है जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं और वो आप अपनी नॉर्मल रूटीन में ऐड करके आपकी मसल्स को ग्रो कर सकते हैं। तो वो जो तीसरा मेथड है वो है टाइम अंडर टेंशन। टाइम अंडर टेंशन क्या होता है? जब आप कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, सेट्स में आप जितने भी रेप्स लगा रहे हैं, उस टाइम आपकी जो मसल्स होती है वो अंडर टेंशन होती है। तो जब ये टाइम हम इंक्रीज कर देते हैं, अपने रेप्स को थोड़े और टाइम के लिए परफॉर्म करते हैं, तो जो हमारी मसल्स होती है कुछ और टाइम के लिए टेंशन में रहती है। ऐसा करने से हमारी जो मसल्स का वर्कलोड है वो बढ़ जाता है और वो ग्रो करती हैं। लेट्स स्टार्ट विद पुशिंग मोमेंट। इसमें आप देख सकते हैं मैं बेंच प्रेस परफॉर्म कर रहा हूँ और ऊपर आते वक्त आपको एक्सप्लोड करना है और नीचे आते वक्त स्लोली स्लोली नीचे लेके आना है ताकि मैक्सिमम टेंशन आपकी बनी रहे। और नीचे जब आप लेके आते हैं तो आपको एक सेकंड के लिए होल्ड करना है, देन अगेन ऊपर आते वक्त एक्सप्लोड एंड स्लोली स्लोली आपको नीचे लेके आना है। याद रखिए जब आप नीचे लेके आ रहे हैं तब भी आपकी मसल्स एंगेज है, तो इसलिए आपको स्लोली स्लोली नीचे लेके आना है। ऐसा करने से आपकी जो मसल्स है उसकी जो एंगेजमेंट है और उसका वर्क है वो बढ़ जाता है और आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन भी इसमें बनता है, क्योंकि आप जब मोमेंटम है वो एकदम धीरे रख रहे हैं और नीचे से जब आप दोबारा ऊपर लिफ्ट करते हैं तो एक तरीके से आपका ये जो रैप आप परफॉर्म कर रहे हैं एकदम न्यू वन है। पुलिंग मोमेंट में आपको ऊपर आते वक्त एक्सप्लोड करना है और नीचे आते वक्त स्लोली स्लोली नीचे आना है। जब आप ऊपर आते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करनी है मसल, ये जो मोमेंट है ये आपका मैक्सिमम टेंशन जो है मसल्स में बनाता है, तो इसलिए आपको एटलीस्ट एक सेकेंड के लिए इसको होल्ड करना है और नीचे स्लोली स्लोली आना है। तो आप काउंट भी कर सकते हैं नीचे आते वक्त, एटलीस्ट 4 सेकेंड आपको काउंट करने हैं एंड दोबारा से एक्सप्लोड करना है ऊपर आते वक्त। ऐसा करने से आपके जो मसल्स में है वर्कलोड आपका बढ़ता है और आपकी मसल्स जो है वो ग्रो करती है। सिमिलरली जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वो है बाइसेप्स कर्ल। इसमें आपकी जो एल्बो है वो लॉक रहेगी आपकी साइड चेस्ट के साथ। ये जो टेक्निक है ये आप हर एक एक्सरसाइज में इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे ऊपर आते वक्त मैं एक्सप्लोड कर रहा हूँ और नीचे आते वक्त जो नेगेटिव पार्ट ऑफ मोमेंट है उसमें आप स्लोली स्लोली मैं लेके आ रहा हूँ। तो ऐसा करने से आप क्या है, जितने भी आप नॉर्मल सेट में रेप्स लगाते हैं उतने ही रेप्स में आप ज़्यादा मसल्स को शोर कर सकते हैं, क्योंकि आपका मैक्सिमम जो वर्कलोड है वो बढ़ जाता है ऐसा करने से। केबल की हेल्प से हम समझते हैं आपको कितने टाइम के लिए एक रैप परफॉर्म करना है। इसमें आप देख पा रहे होंगे मैं साइड रेसेस केबल से परफॉर्म कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर ले जाते वक्त मैं एक्सप्लोड कर रहा हूँ और ऊपर एक सेकंड के लिए होल्ड कर रहा हूँ, नीचे आते वक्त मैं काउंट कर रहा हूँ 4 सेकंड के लिए आपको होल्ड करते हुए स्लोली स्लोली नीचे लेके आना है। ऐसे आपका एक रैप 6 सेकंड के लिए होता है टोटल। नीचे से ऊपर ले जाते वक्त 1 सेकंड, देन 1 सेकंड होल्ड आपका टॉप पोजीशन पे और नीचे आते वक्त 4 सेकंड का होल्ड करते हुए आपको लेके आना है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।